गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज कीप सपोर्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के साथ RMI इंडिया ने भारत में मोबालाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फाइनेंसिंग ने रिपोर्ट जारी की। इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, फिक्की, CII, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के साथ RMI इंडिया ने भारत में मोबालाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फाइनेंसिंग रिपोर्ट जारी की है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI के साथ नीति आयोग ने भारत के इमेजिंग मोबालाइजिंग फाइनेंस फॉर EVS इन इंडिया ए टूलकिट ऑफ सॉल्यूशन टू मिटिगेटेड रिस्क एंड एड्रेस मार्केट बैरियर्स रिपोर्ट जारी की है। भारतीय EV बाजार का आकार 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, CEO हैं अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने लगभग भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर कौन से पुल का उद्घाटन किया। इसके ऑप्शंस है दिबांग रिवर ब्रिज, मैत्री सेतु, कोइलवर पुल, मालवीय ब्रिज। इसका राइट आंसर है मैत्री सेतु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी त्रिपुरा से सबरूम में फेनी नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया, जिसकी लागत है 3518 करोड़ रुपए। अकेले इसकी नहीं है, ये 8 परियोजनाओं की लागत है। इसके अकेले की लागत है 133 करोड़। मैत्री सेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है। त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला और CM है बिप्लब कुमार देव। इसके अलावा कोकबोरोक भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों में त्रिपुरी लोगों की मुख्य देसी भाषा है। इसका नाम कोक, इसका अर्थ है मौखिक, और बोरोक का अर्थ है लोग या मानव। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जनजाति मामलों की मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया। इसके ऑप्शंस है मसूरी उत्तराखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड। इसका राइट आंसर है मसूरी उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड में जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव का उद्घाटन किया है। अर्जुन मुंडा ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA मसूरी उत्तराखंड में ट्राइबल इंडिया महोत्सव का उद्घाटन किया है। द ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव अतुल्य भारत के अमूल्य निधि का आयोजन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको टेरिफेड द्वारा मसूरी सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने NBSNAA के निकट वेलरीज बिल्डिंग में 130वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम और कैफे ट्राइब्स इंडिया का उद्घाटन किया है। टेरिफेड इसके MD है प्रवीर कृष्ण और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्ट्रैक्स किसने आयोजित किया। इसके ऑप्शंस हैं चीन, फ्रांस, रूस, USA। इसका राइट आंसर है फ्रांस। अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्ट्रैक्स फ्रांस ने आयोजित किया। फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों पर हमलों के खिलाफ अपनी क्षमता का विश्लेषण करने के लिए अंतरिक्ष में 5 दिवसीय लंबे सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। 1965 में शुरू किए गए अपने एक उपग्रह की याद में इस अभ्यास को एस्ट्रैक्स नाम दिया गया है। एस्ट्रैक्स पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ फ्रांस एंड पहली एक्सरसाइज है यूरोपीय कंट्री के बीच। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री वो इमैनुएल मैक्रो, कैपिटल है पेरिस, और इसके अलावा इंडो और फ्रांस की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है शक्ति। इंडो फ्रांस की जो एयर एक्सरसाइज है उसको डेजर्ट केनाइट, और इसके अलावा इंडो फ्रांस जो नोवल एक्सरसाइज है उसे वरुण कहते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, OECD ने वित्त वर्ष 2022 में के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान कितने तक बढ़ाया है। इसके ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 12.6%, 12.4%। इसका राइट आंसर है
12.6%। OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान 12.6% तक बढ़ाया है। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसके महासचिव है एंजेल गुरिया, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, सदस्य देश है 37। इसके अलावा क्रिशिल ने भारत की GDP को फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11% तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए CM के रूप में किसने शपथ ली? इसके ऑप्शंस हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, हरीश रावत, विजय बहुगुणा। इसका राइट आंसर है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए CM के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली। 10 मार्च 2021 को संसद सदस्य तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली है। 9 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद ये उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बनेंगे। तीरथ सिंह रावत का CM के रूप में कार्यकाल मार्च या अप्रैल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड के कुछ इंपोर्टेंट प्राणी उद्यान, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और किले जैसे बाणासुर का किला, पिथौरागढ़ का किला। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स सिस्टम को किसने विकसित किया? इसके ऑप्शन है IIT दिल्ली, इसरो, IIT जोधपुर, DRDO। इसका राइट आंसर है DRDO। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स सिस्टम को विकसित किया। DRDO को भूमि आधारित प्रोटोटाइप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स का डेवलपमेंट करने में अचीवमेंट हासिल की है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 52वां CISF स्थापना दिवस 2021 कब मनाया गया? इसके ऑप्शन हैं 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च। इसका राइट आंसर है 10 मार्च। 10 मार्च को 52वां CISF स्थापना दिवस मनाया गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज CISF की फुल फॉर्म है। और इसके अलावा इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अलावा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।